कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माने, जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता। माँ अगर पैरों पर चलना सिखाती है तो पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं पिता। अमरावती। अमरावती और अकोला से शुरू हुआ जीवन का सफर, टॉकीज के बाहर ठेला लगा के न जाने संघर्षों में खो गया बचपन, फिर भी जीवन में संपन्नता और प्रतिष्ठा के उच्चतम सोपान को प्राप्त किया जिसकी कल्पना हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है। पापा, आपकी बहुत याद आती है। परीक्षाओं की घड़ी ने आगे बढ़ाई रवानी, पहले एमकॉम कर अर्जित की उच्च तालीम, फिर हुनर और मेहनत ने बनाई इंदौर के कपड़ा मार्केट में पहचान की कहानी। पैदल, फिर साइकिल, फिर लूना, फिर बजाज स्कूटर और फिर एक्टिवा, और फिर बनता चला गया घर के अहाते में कारों का कारवा। पापा, आपकी बहुत याद आती है। दौर बदले, समा बदले, आपकी विवाह की रील दिखाती वो कुछ तस्वीरें जिसमें एक जिम्मेदार पति की छवि स्पष्ट जान पड़ती है कि कब अर्चना के साथ वो मकान एक बड़े से घर में तब्दील हो गया, कब बसावट ने आपके बच्चों के रूप में हमें भेजा और कब जीवन की ट्रेन सफरनामा पूरा करती चली गई। पापा, आपकी बहुत याद आती है। एक जिम्मेदार पुत्र, दोस्त स्वरूप छोटा भाई, महेश, विजय, कमल, अजय, मुन्नी, गट्टू और अलका के पिता स्वरूप बड़े भाई के रूप में निभाई सर्वश्रेष्ठ भूमिका। पिता श्री लालचंद जी के किसी भी निर्णय में पुत्र रमेश ने हमेशा निभाई एक निर्णायक भूमिका। किसी भी भाई की तकलीफ अपनी तकलीफ मानकर किया समाधान। तो वहीं जेठ जी के रूप में कीर्ति, अर्चना, अलका, हेमा से पाया ससुर जैसा सम्मान। पापा, आपकी बहुत याद आती है। जन्म तो दिया आपने दो पुत्रों को, पर गर्व से बताते थे आप कि मेरे दो नहीं, चार बच्चे हैं, नीटू, पिंटू, टिंकू और छोटू। चाहे कोई भी हो उसे बड़े खुश होकर बताते थे आप कि मेरे व्यवसाय की असली प्रगति मेरे बच्चे अनुराग के व्यवसाय संभालने के बाद ही हुई है। अपनी छाती चौड़ी करके सबको बताते थे आप, मेरे दो बच्चे अनुपम और विपुल बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमारा खुद का ऑफिस है। सबको बड़े नाज से बोलते थे आप, मेरा बच्चा अंशुल एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बड़ा काम करता है। इन चारों में तो थी आपकी आत्मा। नियमित रूप से चारों के व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी लेना आपको संतुष्टि प्रदान करता था। हमारे चेहरे पर चिंता की लकीरों को तुरंत पढ़ लेना और उसका निराकरण इस तरह से करना जैसे कोई चिंता थी ही नहीं। हमें कदम कदम पर सिखाना कि जीवन कैसे जिया जाता है। गलती करने पर हमें हमारे बच्चों के सामने ही जोरदार डांट लगाना। पापा, आपकी बहुत याद आती है। भतीजे राजेश, शैलेश, रोमिल, रौनक, कुशल, मीत और भतीजी एकता, रुचि, ऋतु, रानी के किसी भी निर्णय में आपने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास होता था। पूरा घर आपको सॉल्यूशन भी तो बुलाता था। हाँ, सॉल्यूशन। पिता के रूप में आप थे हमारे सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का, झट से। पापा, आपकी बहुत याद आती है। घर की लक्ष्मी बनकर जब बहुएं हिना, ऋतु, तोशी और मीलन ने कदम रखे तो जैसे सिर्फ रिश्ते का नाम मायके से ससुराल में बदला, लेकिन पिता शब्द की छाव में बहुओं को आपने बेटी का दर्जा दिया। कभी ठहाके तो कभी बुलंद आवाज तो कभी कोमल स्वरों में दायित्वों की गुनगुनाहट ने
इन सब की ऊर्जा को बनाए रखा। पापा, आपकी बहुत याद आती है। मूल से ज्यादा ब्याज अच्छा लगता है, मानो पोती मुस्कान और सुहानी, तो पोते पर्व, अक्ष और नव, नेवला बल्लू में तो दादा की थी जान। दादा के रूप में एक दोस्त, घर में किसी के भी बीमार होने पर कभी मुन्ना भाई फिल्म के संजय दत्त बनकर बीमारियों में दवाई का काम कर जाते थे आप, तो कभी वात्सल्य की प्रतिमूर्ति बन समझाइश दे जाते। हाँ पापा, आपकी बहुत याद आती है। कर्मचारी हो या रिश्तों की कड़ियां, आपने कभी टूटना तो दूर, उनमें एक बल तक नहीं आने दिया। जैन सोशल ग्रुप स्वागत के आप थे भीष्म पितामह, मॉर्निंग वॉकर ग्रुप के थे आप हेड, जिस किसी भी मंच पर खड़े हो जाएं वहां बजने लगती थी तालियां, तालियां और सिर्फ तालियां। काव्यशील लेखनी के धनी थे आप, बेखौफ जिंदा दिल, कभी ना घबराने वाले। पापा, आपकी बहुत याद आती है। अपने अंतिम समय में कैंसर जैसी बीमारी का बेखौफ सामना करना, एक बड़े कैंसर के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भी एक छोटे बच्चे की तरह हंसते हंसाते ऑपरेशन टेबल की तरफ चले जाना। 4 नवंबर 2022 देव उठनी 11 की ही रात थी जब आप सम्यक भाव में हमें ये कहते हुए अलविदा हो गए कि द शो मस्ट गो ऑन। जैसे आज भी लगता है कि आप अभी हमें आवाज लगाएंगे, जैसे फिक्र है आपको आज भी हमारी। भगवान के बारे में सुना है हमने, लेकिन पता चला कि वास्तविक ईश्वर तो आप ही थे। हमारे निर्णयों में, हमारी हर सांसों में, वो लेखनी के धनी बेखौफ जिंदा दिल पापा, हमेशा हंसते हंसाते पापा, आप आज भी जीवित हैं। लेकिन पापा, सुन रहे हैं ना आप, आपकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है।